ये है दिल्ली दर्पण। लोकसभा चुनाव चल रहा है, ऐसे में चुनाव प्रचार में सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। राजनीतिक पार्टियां अलग अलग तरीके से युवाओं से जुड़ रही हैं। उत्तर पश्चिमी लोकसभा क्षेत्र में मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच है, जहां इस बार भाजपा ने पंजाबी सिंगर हंसराज हंस का टिकट काटकर योगेंद्र चंदोलिया को मैदान में उतारा है। उत्तर पश्चिमी लोकसभा क्षेत्र में मोदी टूर्नामेंट के जरिए युवाओं को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। दरअसल जन सेवा केंद्र नागलोई और भारतीय जनता पार्टी की ओर से यहां मोदी टूर्नामेंट का आयोजन कराया गया, जो युवाओं के बीच चर्चा का विषय बना। इस मोदी टूर्नामेंट में कुल 9 मैच हुए। इसके बाद रविवार को इसका फाइनल मुकाबला भी खेला गया। फाइनल मुकाबले में टॉप 3 टीमों को पुरस्कृत किया गया, जिसमें तृतीय पुरस्कार में ट्रॉफी के साथ 5,000 रुपए नकद, द्वितीय पुरस्कार में 11,000 रुपए और प्रथम पुरस्कार में 21,000 रुपए दिए गए। मोदी टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तर पश्चिमी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी योगेंद्र चंदोलिया समर्थकों के साथ पहुंचे और सफल टीमों के बीच पुरस्कार का वितरण किया। कार्यक्रम के संयोजक संजय चावला, ऋतुराज गहलोत के साथ साथ स्थानीय निगम पार्षद उत्तर पश्चिमी, जिला के शहर प्रभारी संजीव शर्मा उपस्थित रहे। मोदी टूर्नामेंट के संयोजक संजय चावला और ऋतुराज गहलोत ने इस टूर्नामेंट की विस्तृत जानकारी दी। इस पूरे ओवरऑल टूर्नामेंट के अंदर हमारा उद्देश्य ये था कि मोदी जी हमेशा कहते हैं, खेलेगा भारत तो बढ़ेगा भारत, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत प्रधानमंत्री जी की सोच है। उसी सोच को हमने आगे बढ़ाते हुए हमने तय किया कि यहाँ पर लोकसभा के जो जनप्रिय लोकप्रिय प्रत्याशी हैं योगेंद्र चांदोलिया जी, कि मैं जब भी यहाँ पर सांसद बनकर अगली बार आऊंगा तो इन युवाओं के बीच में, इन युवाओं के खेलों के लिए, इनके स्टेडियम के लिए, इनके पार्कों के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करूंगा और उन स्कूलों पे भी ध्यान दूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा खेलों को बढ़ावा देकर हम अपने युवाओं के साथ अपने भारत को आगे बढ़ाएं, इस क्षेत्र को आगे बढ़ाएं। तो खेल होते हैं ना, इनमें जो है बच्चों को खेल में एक मन और तन दोनों अच्छे होते हैं और अच्छी आदतें होती हैं और एक हौसला बढ़ता है। खेल से आसपास के जो आसपास के दूसरे बच्चों को भी एक संदेश जाता है कि हमें भी क्रिकेट में, जो बच्चे खेलों में नहीं भागीदारी लेते, कि हमें भी किसी न किसी खेल में भागीदारी लेनी चाहिए। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे चावला जी का, ऋतुराज गहलोत जी का, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, जो हमारे आदर्श हैं, उनके नाम से टूर्नामेंट किया। वहीं विजेता टीमों ने इस आयोजन के लिए आयोजन समिति का आभार जताया। जिन्होंने भी टूर्नामेंट का आयोजन किया उन्होंने बहुत ही अच्छी व्यवस्था रखी, हम सभी का ख्याल रखा गया, सभी को मजे आए। हम चाहते हैं टूर्नामेंट दोबारा होते रहे, तभी युवा आगे बढ़ेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि मोदी जी कहते हैं हर हर मोदी घर घर मोदी। मोदी टूर्नामेंट में भले ही चौके और छक्कों की बरसात हुई हो, लेकिन रोमांचक टूर्नामेंट लोकसभा चुनाव का चल रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही अपना लक्ष्य 400 पर कर रखा है। इस सवाल पर कार्यक्रम में पहुंचे अतिथि और उत्तर पश्चिमी लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी योगेंद्र चंदोलिया ने कहा कि आराम से इस लक्ष्य को पार किया जाएगा, टक्कर कहीं भी नहीं है, नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बने। जहाँ जा रहा हूँ लोग कह रहे हैं तीसरी बार मोदी सरकार, फिर एक बार 400 पर। कांग्रेस ने भी इस सीट पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, उदित राज आपके सामने होंगे, क्या देखते हैं, जो लड़ाई है कैसी है? देखिए कोई भी कैंडिडेट हो, लड़ाई नाम की कोई चीज नहीं है। देश की जनता ने मन बना लिया है,
नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री लोग देखना चाहते हैं। कोई सा भी राज आ जाए, राज मोदी का रहे। बहरहाल राजधानी दिल्ली के साथ लोकसभा सीटों पर छठे चरण में 25 मई को मतदान होगा, लेकिन इससे पहले लगातार नेताओं का जनसंपर्क अभियान तेजी से चल रहा है। इसी कड़ी में मोदी टूर्नामेंट के जरिए भी उत्तर पश्चिमी लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी ने युवाओं से कनेक्ट करने की कोशिश की। अब देखना होगा कि इनके जनसंपर्क का यह अनूठा अंदाज युवाओं को कितना भाता है। कैमरा पर्सन कमल के साथ बॉबी मिश्रा, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।